इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, किसी भी ऑक्टल नंबर को आप डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। मान लो कि जैसे हमें कोई ऑक्टल नंबर दे रखा है 752, राइट, ये आपको दे रखा है, आपको किस में कन्वर्ट करना है, आपको हेक्सा में कन्वर्ट करना है, राइट। तो कैसे करोगे, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप होता है कि जो भी ऑक्टल नंबर दे रखा है सबसे पहले उसे किस में कन्वर्ट कर दो आप, बाइनरी में। तो ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हो, जो फर्स्ट स्टेप है ऑक्टल टू बाइनरी करना है आपको, राइट, ऑक्टल टू बाइनरी। तो इसे इसे आप बाइनरी में कैसे कन्वर्ट कर लोगे, तो 7 को हम बाइनरी में क्या लिखते हैं, 111, 5 को क्या लिखते हैं, 101, 2 को क्या लिखते हैं, 010। ये आपका किस में आ गया, बाइनरी में आ गया। देन सेकेंड स्टेप क्या होता है आपका, बाइनरी टू हेक्सा, हेक्सा टू बाइनरी टू हेक्सा। अभी तुरंत इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि बाइनरी टू हेक्सा इसे कैसे कन्वर्ट करते हैं, राइट। तो कैसे करोगे आप, चार चार की ग्रुपिंग कर लोगे लेफ्ट साइड से, चार चार, ये सिर्फ एक बच रहा है, हमें चार डिजिट चाहिए तो इसलिए हम 3 और एक्स्ट्रा लगा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 1010 आपका क्या होता है बताओ, 1010 आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 2 4 8। तो 8 + 2 कितना हो जाता है आपका, 8 + 2 10। 10 क्या होता है आपका, ए होता है। फिर देखो ये आपका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 2 4 8। तो जहाँ जहाँ 1 है उन सबको ऐड कर दो, 8 + 4 क्या हो जाएगा आपका 12, 12 + 2 कितना हो जाएगा 14, 14 आपका हेक्साडेसिमल में क्या लिखते हो, ई लिखते हो, और ये 0001 क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो ये आ गया आपका हेक्साडेसिमल में, आगे बात समझ में। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर को, मतलब ऑक्टल नंबर को किस में कन्वर्ट कर सकते हो, हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले उसे क्या करना होगा, आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद बाइनरी को किस में करना होगा, आपको हेक्सा में करना होगा। तो एक और एग्जांपल लेके चलते हैं हम लोग, जैसे आपको क्या दे रखा है 175, तो इसे सबसे पहले किस में कन्वर्ट कर लोगे, बाइनरी में। तो क्या हो जाएगा 0001 111 101, राइट, ये किस में कन्वर्ट हो गया आपका, बाइनरी में। अब इसको किस में करना होगा आपको, हेक्सा में। हेक्सा के लिए आपको चार चार का ग्रुप बनाना होगा, ये 0 अकेला बच रहा है तो क्या लगा लो, एक और लगा लो 0 0, ये क्या हो जाएगा आपका 7, ये आपका क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा डी। तो ये क्या हो गया आपका, किस में कन्वर्ट हो गया आपका, हेक्सा में कन्वर्ट हो गया। तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, 7D भी लिख सकते हो, क्योंकि किसी नंबर के आगे 0 लगा दो तो कोई वैल्यू नहीं होती है। एक लास्ट कर लो आप लोग, 1 2 3, ये आपको किस में दे रखा है, ऑक्टल में दे रखा है, एंड यू हैव टू कन्वर्ट दिस नंबर इनटू हेक्साडेसिमल। सबसे पहले बाइनरी में 0 1 का क्या होता है 001, 2 का क्या होगा 010, 3 का 011, राइट, 4 4 की ग्रुपिंग कर दो, ये हो जाएगा 0, ये आपका कितना हो जाएगा 5, और ये आपका हो जाएगा 3। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर, सॉरी ऑक्टल नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो। अगेन, अगर आपके मन में आ रहा है कि अगर फ्रैक्शनल पार्ट दे रखा हो तो कैसे करोगे, सिंपली फ्रैक्शनल पार्ट में भी कोई दिक्कत नहीं है। मान लो 1 2 3 दिया हुआ है और 0.111 दे रखा है, राइट, तो कैसे करोगे आप, ये ऑक्टल में दे रखा है, अगेन आप इसे किस में कन्वर्ट कर दोगे, बाइनरी में। क्या हो जाएगा 0001 0100 111, 0.1 का क्या होगा 001 001 001, इधर से चार चार की ग्रुपिंग करो, ये 0 वाला तो लिखने से कोई मतलब है नहीं, इधर साइड चार चार की ग्रुपिंग करो, अगर यहाँ पे 1 है लेकिन हमें कितनी ग्रुपिंग करनी है, 4 की, तो हम एक्स्ट्रा लास्ट में 0 लगा सकते हैं। फ्रैक्शन के बाद 0 लगाओ लास्ट में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपका क्या हो जाएगा 0, ये आपका क्या, ये क्या हो जाएगा 0101 क्या होगा आपका 5, ये आपका हो जाएगा 3, पॉइंट ये आपका कितना हो जाएगा 010, ये आपका 2 2 2, सॉरी ये आपका हो जाएगा 2, ये आपका कितना, ये हो गया 0100 क्या हो गया 2 हो गया, 0100 क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1000 क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा।
तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, किसी भी फ्रैक्शनल मतलब ऑक्टल नंबर को आप हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो। राइट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा किसी को। उसके बाद जो हमारा लास्ट है वो देखेंगे हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन।